हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। हमारे मुशायरे में जराए अबलाग से जुड़े हुए लोग, वो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, जो भी मीडिया चैनल्स और मीडिया के तमाम हिंदी उर्दू के अखबारों से जुड़े हुए लोग जो नामा नगार यहाँ तशरीफ लाए हैं, मैं उन सब से गुजारिश करता हूँ कि बराए करम वो मुशारकगाह में तशरीफ लाएं और आगे की सफों में आकर अपनी जगह ले लें जहाँ उनके लिए खसूसी तौर पर इंतजाम किया गया है। एक और ऐलान ये करना है कि हमारे मुशायरे के सीनियर शोरा में मोहतरम जौहर कानपुरी साहब और मोहतरमा शबीना दीप साहिबा बसखारी में उन्होंने कयाम किया था, बसखारी से वो चल चुके हैं चंद लम्हात में वो। अच्छा अच्छा, तो मोहतरम जौहर कानपुरी साहब और मोहतरमा शबीना अदीप साहिबा वो यहाँ हमारे मुशारकगाह तक आ चुके हैं, जल्द ही वो डाइस पर तशरीफ लाएंगे। हमारे मेहमानान में सैयद इंजील अशरफ साहब का नाम बिलखसूस मैं लेना चाहता हूँ, गालिबन मैं अपनी गुफ्तगू के दौरान शायद उनका नाम भूल गया था। जाहिर है कि उनकी मोहब्बतें और उनकी मेहनतें इस मुशायरे की कामयाबी का हिस्सा हैं। मैं मोहतरम सैयद इंजील अशरफ साहब को भी इस मुशायरे की आगाज में ही मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं, क्योंकि ये मुशायरा यकीनन आप सबकी मौजूदगी में अपनी कामयाबियों के सफर की तरफ रवाना होना चाहता है। अब हमें मुशायरे के बहारिया दौर का आगाज करना है, गजल के दौर का आगाज करना है, जहां महबूब से मिलने बिछड़ने के वाकयात को हम शायरी बनाएंगे। घर आंगन के मसाइल हों, समाज की नाहमवारियां हों, सियासत की करम फरमाइयां हों, वे तमाम मामलात अब गजल के हवाले से आपकी खिदमत में पेश किए जाएंगे। यके बाद दीगरे शोरा इकराम आपकी अदालत में पेश होंगे और आज की रात आपकी खिदमत में अपने कलाम के जरिए आज के अहद की सच्चाइयों को शायरी बनाकर पेश करेंगे। ये काम अब शुरू हुआ चाहता है। मैं आप सबको चार मिसरे पेश करना चाहता हूं। कैसरुल जाफरी ने कहा था कि तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा ना लगे, तुम्हारे बस में अगर हो तो भूल जाओ मुझे, तुम्हें भुलाने में शायद मुझे जमाना लगे। हजराते गिरामी, आपकी जो ये खूबसूरत सी महफिल है, ये महफिल इसलिए बहुत पुरवकार नहीं कही जाएगी कि ये बहुत अच्छा इंतजाम मौलाना कासिम साहब ने यहाँ सजाया है, या ये इसलिए कि बहुत अच्छी फहरिस्त शोरा इकराम की डाइस पर है, या इसलिए कि मुअज्जिज़ीन की एक बड़ी लंबी फहरिस्त हमारे सामने है, बल्कि इसलिए कि इस मुशायरे को आप जैसे जिंदा दिल सामईन मिल गए हैं, इसलिए ये मुशायरा अपनी कामयाबी की मंजिलों की तरफ रवाना होगा, ये यकीन है। और इस यकीन की वजह से ही मैं चाहता हूं कि आप सब इसी तरह से इस मुशायरे में शरीक हो जाएं। आइए पहले शायर से मुलाकात करते हैं और मैं देखना चाहता हूं कि आज के इस दौर में जहां महबूब से मुलाकात के लिए सोशल मीडिया के बहुत से चैनल्स और बहुत से प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके लोग बहुत तेज रफ्तार मोहब्बत और इश्क करना चाहते हैं, वरना हम तो मोहब्बत करने का वो अंदाज जानते हैं कि इश्क टूटा तो इस्तखारा किया और फिर इश्क ही दोबारा किया, इश्क टूटा तो इस्तखारा किया और फिर इश्क ही दोबारा किया। सलाउद्दीन भाई, हम तो ऐसी मोहब्बत जानते हैं जिसमें हम ये कहते हैं कि करूंगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, करूंगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। या यूं कहिए कि बात यूं भी कही जा सकती है कि गुम अगर सुई भी हो जाए तो दुख होता है, गुम अगर सुई भी हो जाए तो दुख होता है, और हमने तो मोहब्बत में तुम्हें खोया है, और हमने तो मोहब्बत में तुम्हें खोया है। नौजवानों, मोहब्बत करने का एक तरीका यह भी है कि कल दिन भर किसने मुझको महकाया था, कल दिन भर किसने मुझको महकाया था, अब याद आया तुमसे हाथ मिलाया था, अब याद आया तुमसे हाथ मिलाया था। और साथियों, आखिर में एक बात कहना चाहता हूं कि
मियाँ इस दौर में अब ये हिमाकत कौन करता है, मियाँ इस दौर में अब ये हिमाकत कौन करता है, वो क्या कहते हैं उसको, हाँ मोहब्बत कौन करता है, मियाँ इस दौर में अब ये हिमाकत कौन करता है, वो क्या कहते हैं उसको, हाँ मोहब्बत कौन करता है, कोई गम से परेशान है, कोई जन्नत का तालिब है, गरज सजदे कराती है इबादत कौन करता है, गरज सजदे कराती है इबादत कौन करता है, कोई गम से परेशान है, कोई जन्नत का तालिब है, गरज सजदे कराती है इबादत कौन करता है। हजरत गिरामी, बहुत खूबसूरत सा माहौल आपने बना दिया है, आपकी बेदार समातें आज के मुशायरे का बहुत कीमती हिस्सा है। हमारे मुशायरे का वकार जनाब जौहर कानपुरी साहब और बहुत सीनियर शायरा मोहतरमा शबीना अदीब साहिबा तशरीफ ले आए हैं, जोरदार तालियों की गूंज में उनका इस्तकबाल कीजिए, वो डाइस पर तशरीफ ला रहे हैं। और इसके बाद मैं पहले शायर को, गजल के पहले शायर को आपके बीच पेश करूंगा। मैं अब जिस नौजवान को आपके बीच माइक पर बुलाने जा रहा हूं, उनके बारे में मुझे ये कहना है कि आसान लफ्जियात में आज के हालात के साथ साथ अपने महबूब से सीधे सीधे अंदाज में बातचीत करना एक नौजवान का अपना मखसूस लबो लहजा है। इस लबो लहजे में गजल की जबान में बात करते हुए ये नौजवान जब अपने गजल के अशार में अपनी मोहब्बतों की तस्वीरें बनाएगा तो यकीन जानिए आप उसे दादो तहसीन से नवाजेंगे, ये मुझे यकीन है। और इसी यकीन के साथ मुतरन्निम लबो लहजे के नौजवान शायर जनाब कलीम तारिक को मैं आवाज देने जा रहा हूँ। मुझे यकीन है कि आप उनके कलाम के साथ ही मुशायरे के खूबसूरत आगाज का हिस्सा बनेंगे। जोरदार तालियों से एक बार इस्तकबाल करके अपने मेहमान शायर कलीम तारिक का हौसला बढ़ा दीजिए ताकि इन्हें लगे कि अब मुशायरा शुरू हो रहा है और आप उनका कलाम सुनने के लिए आमादा है। जब अपनी जबान खो जुड़िएगा शरीक हूं क्या कहना, जब अपनी जबान खोलेगा, जब अपनी जबान खोलेगा सिर्फ मेरे खिलाफ बोले, मेरे खिलाफ बोलेगा। और शेर हाजिर करता हूँ समाज खास, मुझ पे की चढ़े उछालने वाला, मुझ पे की दामन को कब टटोलेगा, दामन को कब टटोलेगा। थोड़ा सा आप भी जुड़े, थोड़ा सा माहौल दें, मैं हाजिर करता हूँ समाज के। जब अपनी जबान खोले गजल का मतला हाजिर करता हूँ, ये नौजवान बैठे हैं, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, मैं हाजिर करता हूँ समाज करीमतुल खास। इरशाद इरशाद जी, बीमार मोहब्बत पे सुनिएगा जुड़िएगा क्या कहना, बीमार मोहब्बत पे, बीमार मोहब्बत पे तरस खाओ किसी दिन, बीमार मोहब्बत, बीमार मोहब्बत तरस खाओ किसी दिन, तुम मेरी आदत को चले आओ किसी दिन।
मदद को चले आओ किसी दिन। क्या कहना, क्या कहना, तुम इतनी खामोशी सुनेंगे, थोड़ा सा बेदार हूँ, थोड़ा सा मेरा साथ दें, मैं गजल हाजिर करता हूँ। ये इस मतले का मजा तो सबने लिया है जी, लेकिन लोग ये सोच रहे हैं कि यार शायर कितने अजीब होते हैं, ये अपनी हर बात कह लेते हैं। बीमार तो हम भी हुए थे, हम भी ऐसे ही सोच रहे थे कि यार काश वो हमें देखने आ जाए, लेकिन हम अपनी बात कह नहीं पाए, शायर ने अपनी बात कह ली। एक बार जरा सा आप बताइए कि आपको अच्छा लगा ये शेर, ये मतलब अच्छा लगा, ताकि शायर पूरी गजल मुकम्मल आपको सुनाए। जोरदार तालियां से बताइए कलीम तारिक। बीमार मोहब्बत तरस खाओ किसी दिन, सर सब्ज बना दो मेरे अरमानों की धरती, सर सब्ज बना दो मेरे अरमानों की धरती, सर सब्ज बना दो, बादल की तरह मुझ पे बरस जाओ किसी दिन। वाह 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 वाह, क्या कहना, क्या कहना, जाओ किसी दिन। वाह 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 वाह, बादल की तरह मुझ पे बरस जाओ किसी दिन। अब और रहा साथ तो हो जाऊंगा पागल, अब वार रहा साथ, अब वार रहा साथ तो हो जाऊंगा पागल, तुम ऐसा करो मुझसे बिछड़ जाओ किसी दिन, तुम ऐसा करो। वाह 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 वाह, जाओ किसी दिन। क्या कहना, क्या कहना, तुम ऐसा करो मुझसे बिछड़ जाओ किसी दिन। क्या कहना, वाह वाह, बीमार मोहब्बत पे। और आखिर में दो तीन शेर माँ के हवाले से एक नज़्म, दो तीन शेर पढ़ के अपनी जगह लेता हूँ, समाप्त कर लें बतौर खास, इजाजत है, इरशाद पढ़ता हूँ। मैं नया ही पढ़ रहा हूँ भैया, अरे टांडा उसके बहुत यहाँ से बहुत दूर है, जलालपुर बहुत दूर है, मैं यहाँ नया पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ता हूँ बिल्कुल एक नई नज़्म, समाप्त करें। इरशाद इरशाद। उसके दामन में सुनिएगा, उसके दामन में ममता मिलेगी, ढेर सारी मोहब्बत मिलेगी, उसके दामन में ममता मिलेगी, उसके दामन में ममता मिलेगी, ढेर सारी मोहब्बत मिलेगी, सिर्फ माँ एक हस्ती है ऐसी, जिसके कदमों में जन्नत मिलेगी। सिर्फ क्या कहना, क्या कहना, वाह वाह वाह, क्या कहना, क्या कहना, सिर्फ माँ, वाह वाह वाह, सिर्फ माँ, ये फिर पढ़ दीजिए, ये सिर्फ माँ एक हंसती है ऐसी, उसके दामन में ममता मिलेगी, ढेर सारी मोहब्बत मिलेगी, सिर्फ माँ एक हंसती है ऐसी, जिसके कदमों में जन्नत मिलेगी, सिर्फ माँ एक हंसती है ऐसी। और एक शेर हाजिर करता, इरशाद इरशाद। सिर्फ माँ एक हस्ती है ऐसी, उसकी बातों में है ऐसी खुशबू, उसके हाथों में है ऐसा जादू,
उसकी बातों में है ऐसी खुशबू, उसकी बातों में है ऐसी खुशबू, उसके हाथों में है ऐसा जादू। माँ के हाथों से खा कर तो देखो तुमको मीठी में लज्जत मिलेगी। माँ के हाथों से खा कर भाई क्या कहना, क्या कहना, क्या आप तक मिश्र नहीं पहुंच रहे हैं? पहुंच रहे हैं। असल में जो लोग कुर्सी पे बैठते हैं वो शहर के अमीर लोग होते हैं, हालांकि उन्हें ये लगता है कि यार मुशायरे में हम भी दाद देंगे तो लोग क्या कहेंगे। मैं बताना चाहता हूँ, आप भी अगर मुशायरे में शरीक हो जाए कसम खुदा की इस कुर्सी की इज्जत भी बढ़ जाएगी और आप खुद आपको भी अच्छा लगेगा। एक बार जरा कुर्सी वाले बताएं कि आप लोग मुशायरे में हैं, इधर वाले आपसे भी आप भी जरा बताइए आप हैं मुशायरे में ना। जी जी ठीक। सिर्फ माँ, सिर्फ माँ एक हस्ती है ऐसी। और एक शेर हाजिर करता हूं, समाप्त करें। चाहे पर्दे से जाओ कमाने, चाहे कोई हुनर लाजुमाने, चाहे पर्दे से जाओ कमाने, घर से माँ की दुआ लेके निकलो, हर जगह फतह नुसरत मिलेगी। घर से माँ की क्या कह रहा दुआ लेके निकलो, सिर्फ माँ एक हस्ती है ऐसी। क्या कहना है? और एक शेर इरशाद, इरशाद। माँ ये बोली, माँ ये बोली मेरे प्यारे बेटे, तरबियत ऐसी कोई न देगा। माँ ये बोली मेरे प्यारे बेटे, माँ ये बोली मेरे प्यारे बेटे, तरबियत ऐसी कोई न दे, उम्र भर काम आएगी तेरे बाप से जो नसीहत मिलेगी। उम्र भर क्या कहना, क्या कहना आएगी तेरे। और आखिरी शेर इस कलाम का पढ़ के अपनी जगह लेता हूँ, आपकी समातों को मोहब्बतों को सलाम करता हूँ, समात कर ले, अता कीजिए भाई। सिर्फ माँ, सिर्फ माँ एक हस्ती है ऐसी, अपने माँ बाप से होके बरहम, ऊंचे लहजे में बातें न करना, अपने माँ बाप से होके बरहम, अपने माँ बाप से होके बरहम, ऊंचे लहजे में बातें न करना, वरना अल्लाह नाराज होगा और फरिश्तों की लानत मिलेगी। सिर्फ माँ एक हस्ती है ऐसी जिसके कदमों में जन्नत मिलेगी। वाह वाह वाह। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।